बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम कुंभ और मीन राशि वाले जातकों का राशि फल जानेंगे कि 2 और 3 जुलाई का समय जो है उनका कैसा रहने वाला है। आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान है, इनका इन जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों इससे जाने के पश्चात आप हमारे वेबसाइट misra4u.com को एक बार जरूर विजिट करें। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए ये महीना जो है रुद्राभिषेक करवाने का है। जिन लोगों को रुद्राभिषेक करवाना हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं जन्म कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर इसी व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याएं सुनी जाएगी, समस्याओं का निदान किया जाएगा। आइए दोस्तों कुंभ और मीन राशि वाले जातकों की चर्चा करें कि ये 2 और 3 जुलाई का समय इनका कैसा रहने वाला है, कैसा आने वाला है, आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम हम कुंभ राशि वाले जातकों की चर्चा करेंगे, तत्पश्चात मिथुन की। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों का ये जो समय है ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि 10वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित नीच के चंद्रमा के प्रभाव से जातक को अपने पिता राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये काफी त्रस्त रहेंगे, समस्या से पीड़ित रहेंगे। इतना ही नहीं, शत्रु पक्ष से भी इन्हें काफी परेशान रहना पड़ेगा। शत्रु पक्ष का भी इनके ऊपर काफी प्रभाव रहेगा। शत्रु पक्ष से ये इतने प्रभावित रहेंगे, इतने त्रस्त रहेंगे कि ये काफी उलझन में फंसकर विकास का मार्ग ही इनका अवरुद्ध हो जाएगा। दोस्तों ये समय इनके लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। इनका समय कष्टदायक गुजरेगा, कष्टमय गुजरेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, 7वीं उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता भूमि तथा भवन का इन जातकों को सामान्य सुख प्राप्त होगा। कहने का मतलब हुआ ये समय इनके हित में नहीं है। दोस्तों ये समय इनके लिए बिल्कुल डेंजरस, खतरनाक है। इस समय में इन्हें बिल्कुल सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लापरवाही और असावधानी इन्हें बिल्कुल ही रसातल में मिला सकती है और ही ज्यादा समस्या में उलझा सकती है। अतः इन दिनों इन्हें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं एक बार पुनः संक्षेप में बारी बारी से इसकी चर्चा कर लूं। दोस्तों मस्तिष्क और बुद्धि की बात करूं तो ये समय जो है इनके हित में नहीं है, इनका हितकारी नहीं है। ये समय जो है ये काफी त्रस्त, परेशान और आपदा विपदाओं से ग्रसित रहेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में इन्हें रुकावटें आ रही है। धन और संपत्ति की बात करूं दोस्तों, धन और संपत्ति का भी स्थिति इनका बिल्कुल नॉर्मल सा है, सामान्य सा है। भाई बहन के बीच का भी प्रेम इनके बीच नहीं रह पाएगा। भाई बहन के बीच जो संबंध है वो मतभेद में बदलेगा, मतभेद के रूप में चलेगा। माता का भी प्यार नहीं मिलेगा। भूमि और भवन की स्थिति भी सामान्य रहेगी। दोस्तों संतान का सुख मिलेगा, संतान से प्रेम बना रहेगा, प्रीत बनी रहेगी, विद्या में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों इनके ऊपर इतनी समस्याएं होगी, इतनी उलझने होगी कि रोग ना होते हुए भी ये रोग ग्रसित हो सकते हैं। शत्रु का तो प्रभाव रहेगा ही, प्रेम और विवाह का संबंध इन दिनों सामान्य रहेगा, क्योंकि मन में चिंता तो दिल में प्रेम कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, ऋण और संकट की बात करूं दोस्तों, ऋण और संकट से ये मुक्त होंगे। ऋण तो इनके ऊपर नहीं होगा, किंतु संकट के बादल इनके ऊपर लगे रहेंगे। धर्म भी, धर्म के प्रति ये काफी रुझान जगाएंगे, धर्म के प्रति निष्ठा रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे। भाग्य का इनका अच्छा साथ मिलेगा दोस्तों, पिता का प्रेम मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा।
व्यवसाय और नौकरी की बात होगी दोस्तों, इनका व्यवसाय और नौकरी भी अच्छा नहीं रहेगा, आय भी सामान्य ही होगा, खर्च भी सामान्य रूप से होगी, इतनी होगी कि ये बचत नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये कुंभ राशि वाले जातकों का ये समय जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। दोस्तों आइए अब मीन राशि वाले जातकों की चर्चा करें, ये समय 2 और 3 जुलाई का समय जो है इनका कैसा कटेगा। दोस्तों नवे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित नीच के चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति तथा धर्म पालन में रुकावटें आएगी। दोस्तों इनका भी समय ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि चंद्रमा का इनके ऊपर भी प्रभाव ऐसा बन रहा है कि इनका जो भाग्योन्नति है उसमें भी रुकावट आ रही है और धर्म पालन क्षेत्र में भी रुकावट है। ये धर्म का पालन नहीं करेंगे तो इनका बना बनाया काम भी बिगड़ेगा, कि क्योंकि धर्म से विमुख होकर लोग भटक सकता है, अपने मार्ग को भूलकर दूर जा सकता है, और जो सही मार्ग पर नहीं चलेंगे उनको मंजिल कैसे मिल सकती है। दोस्तों इतना ही नहीं, संतान तथा विद्या का पक्ष भी इनका कमजोर ही रहेगा, संतान से भी ये सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे, विद्या में भी इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, इनका हर क्षेत्र कमजोर ही है, मन मस्तिष्क में हमेशा परेशानियां बनी रहेगी, मन मस्तिष्क इनका टेंशन चिंता फिक्र से बंधा रहेगा, हमेशा जो है ये चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। दोस्तों सातवीं उच्च दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई बहनों के सुख तो मिलेगा तथा पराक्रम में भी इनकी वृद्धि होगी। दोस्तों ये जीवन इनके लिए अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनका हर क्षेत्र बिल्कुल ही समस्याओं से घिरा हुआ है, परिस्थिति इनकी जो है काफी गंभीर है, स्थिति बहुत ही गंभीर सी दिख रही है, किंतु आगे चलकर केवल एक फायदा की बात है दोस्तों, भाई बहनों के बीच जो है सामंजस्य रहेगा, पटरी जमेगी, भाई बहनों के बीच प्रेम जो है बना रहेगा, और शत्रु पर जो है आगे चलकर इनका प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा, शत्रु को ये अपने बुद्धि विवेक से दबा सकते हैं, त्रस्त कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। दोस्तों आइए इसे हम एक एक कर बारी बारी से संक्षेप में चर्चा कर लें। दोस्तों इन जातकों के लिए मस्तिष्क और बुद्धि की बात करूं तो इनका ये समय इनके पक्ष में नहीं है, मस्तिष्क और बुद्धि भी इनकी छिन्न भिन्न हो जाएगी, ये सोच समझकर काम नहीं कर पाएंगे। धन संपत्ति की बात करूं दोस्तों, धन और संपत्ति का भी स्थिति इनका बेहद खराब रहेगा, भाई बहन के बीच का जो संबंध है वो अच्छा रहेगा, माता का प्यार मिलेगा, भूमि और भवन की स्थिति भी सामान्य रहेगी, संतान का सुख भी नहीं प्राप्त होगा, संतान से भी ये त्रस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे, विद्या में भी ये सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों रोग और शत्रु की बात करूं तो रोग तो इन्हें नहीं सताएगी, किंतु शत्रु का प्रभाव इनके ऊपर बना रहेगा, प्रेम और विवाह का संबंध जो है इनका सामान्य रहेगा, ऋण और संकट तो इन्हें छू तक नहीं सकती। धर्म और भाग्य की बात करूं दोस्तों, इन दिनों धर्म का क्षेत्र इनका अच्छा रहेगा, धर्म में ये रुचि रखेंगे, धर्म के प्रति आस्था जताएंगे। दोस्तों पिता और व्यवसाय नौकरी की बात करूं तो पिता का प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, व्यवसाय भी सामान्य ही रहेगी। दोस्तों आय इनका ज्यादा अच्छा नहीं होगा, खर्च आय से कहीं ज्यादा होगा, जिससे इनका धन संग्रह नहीं हो पाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये मीन राशि वाले जातकों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं माना जा सकता, अच्छा नहीं है।
अतः सतर्क और सावधान रहें, सावधानी का पालन करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों कमेंट में लिखें जय शंभु नारायण, बाम भोले, हर हर महादेव।